नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस पर वीडियो बनाई गई है आज की। तो उसमें इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि आज मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे के रिगार्डिंग हमने इंटरेस्टिंग ये किया है वीडियो में कि स्टार्टिंग में 3 स्लाइड्स हमने बनाई हैं, उसके अंदर आपको ऑल ओवर व्यू दे दिया गया है कि पूरे वीडियो में हम क्या आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आप उन 3 स्लाइड्स को अच्छे से देखें और आगे फिर क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस आंसर्स दिए गए हैं, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो गाइज़, आज का हमारा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द न्यू पार्लियामेंट, जो नई संसद भवन जो बनी है उसके रिगार्डिंग आज की वीडियो होने वाली है। तो जो हमारी फर्स्ट स्लाइड है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डेडिकेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस टू द नेशन, कि जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने नया संसद भवन देश को दिया है। पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑन 10 दिसंबर 2020 अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। मीन्स कि जो फाउंडेशन स्टोन है वो भी पीएम मोदी जी ने ही रखा था। और कब रखा था ये? 10 दिसंबर 2020 को रखा था। कौन से प्रोजेक्ट के अंडर रखा है ये फाउंडेशन स्टोन? तो इसका आंसर आ जाएगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये जो डिज़ाइन की गई बिल्डिंग है, इसके आर्किटेक्ट का नाम पूछा गया है, तो आंसर आ जाएगा बिमल पटेल। गॉट इट? नेक्स्ट स्लाइड इज द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज़ बिन बिल्ट इन अ ट्रायंगुलर शेप एंड हैज़ 4 फ्लोर्स, ठीक है। नया संसद भवन है वो कौन से शेप में है? ट्रायंगुलर शेप में है। 4 इसमें फ्लोर्स बनाए गए हैं और बिल्ट इन 64,500 स्क्वायर मीटर्स, मीन्स 64,500 स्क्वायर मीटर्स में ये फैला हुआ है। इसके अंदर 3 दरवाजे हैं, 3 डोर्स हैं। उन दरवाज़ों का नाम क्या है? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड इज द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज़ 888 लोकसभा सीट्स, मतलब कि लोकसभा के कितने सीट्स हैं? 888, वाइल द राज्यसभा हैज़ 384 सीट्स, मीन 384 सीट किसकी है? राज्यसभा की है। देर इज़ इनफ स्पेस इन इट दैट इफ अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस इज कॉल्ड ऑल द मेम्बर्स कैन कम। इसका मतलब कि इसके अंदर इनफ स्पेस रखा गया है ताकि अगर जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़े राज्यसभा और लोकसभा की, तो भी वहाँ पे सारे मेंबर्स जो हैं उसके अंदर आ सकें। ड्यूरिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस मोर देन 1272 MPs विल बी एबल टू सिट टुगेदर इन द लोकसभा इटसेल्फ। मीन्स कि अगर जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है तो उस केस में 1272 MPs से ज़्यादा वहाँ पर सिटिंग अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया है ऑल ओवर क्या था इसमें। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया ऑन 28 मई 2023, ठीक है। किसने बनाया पार्लियामेंट हाउस, किसने इनॉग्रेट किया? आंसर आ जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और क्वेश्चन इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेशन कब किया था नए पार्लियामेंट हाउस का, उसका आंसर आ जाएगा 28 मई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस, मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो फाउंडेशन स्टोन है नए पार्लियामेंट हाउस का वो कब रखा? तो इसका आंसर आ जाएगा 10 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ प्रिपेयर्ड द डिज़ाइन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस, कि कौन सी कंपनी ने पार्लियामेंट हाउस जो नया बना है उसको डिज़ाइन किया, उसका डिज़ाइन जो है प्रिपेयर किया? आंसर आ जाएगा HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ कंस्ट्रक्टेड द न्यू पार्लियामेंट हाउस, कौन सी कंपनी ने कंस्ट्रक्ट किया न्यू पार्लियामेंट हाउस को? आंसर आ जाएगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस. आंसर आ जाएगा ट्रायंगुलर शेप. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया लोकेटेड. जो नया संसद भवन है वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है. आंसर आ जाएगा न्यू दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस. चीफ आर्किटेक्ट कौन है. आंसर आ जाएगा बिमल पटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू द सीट ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा बाय पीएम नरेंद्र मोदी एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड पार्लियामेंट हाउस. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नए पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन करते समय लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनकी सीट के नेक्स्ट में किसको प्लेस किया. तो इसका आंसर आ जाएगा सिंगोल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच प्रोजेक्ट द न्यू पार्लियामेंट हाउस हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड. कौन से प्रोजेक्ट के अंदर नया पार्लियामेंट हाउस जो है बनाया गया. आंसर आ जाएगा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस. अप्रॉक्सीमेट एरिया कितना है नए संसद भवन का. तो आंसर आ जाएगा 64,500 square meters. 64,500 square meters. Got it. Next question is how many seats are there for the Lok Sabha in the Parliament House. Parliament House में Lok Sabha के जो members हैं उनके लिए कितनी seats available करवाई गई हैं. Answer आ जाएगा 888 means 888 seats available करवाई गई हैं Lok Sabha के members के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सीट्स आर देयर फॉर राज्यसभा इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस. राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल करवाए गए हैं नए पार्लियामेंट हाउस में. आंसर आ जाएगा 384 seats. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच मनी हैज़ बीन स्पेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस. कि जो नया पार्लियामेंट हाउस बना है उसकी कंस्ट्रक्शन में कितना पैसा लगा है. आंसर आ जाएगा ₹1200 crores. ठीक है. 1200 crores rupees यहाँ पे लगे हैं इनको बनाने में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टोरीज इज द न्यू पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग. कितनी स्टोरीज हैं पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग में. आंसर आ जाएगा 4. ठीक है. 4 stories का है या 4 floors हैं ऐसे बोल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर विल द जॉइंट सेशन बी ऑर्गेनाइज्ड इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस. कि ये बोला गया था ऊपर स्लाइड में कि जॉइंट बुलाए जा सकते हैं, जॉइंट सेशन बुलाए जा सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा का. लेकिन वो बैठेंगे कहाँ पे, कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है उनको सीटिंग के लिए. तो इसका आंसर आ जाएगा लोकसभा हॉल. एक लोकसभा हॉल बनाया गया है वहाँ पर जॉइंट सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर इज़ अ प्रोविज़न फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोविज़न जो है आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. तो आंसर आ जाएगा आर्टिकल 79 में है. विच बर्ड इंस्पायर्ड द डिज़ाइन ऑफ लोकसभा. लोकसभा का जो डिज़ाइन है वो कौन से बर्ड के डिज़ाइन पर बनाया गया है. ठीक है. आंसर आ जाएगा पीकॉक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लार्ज हॉल विद हाउ मेनी सीट्स हैज़ बीन मेड फॉर द जॉइंट सेशन इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस. अगर जॉइंट सेशन बैठेगा लार्ज हॉल बनाया गया तो उसकी कैपेसिटी कितनी बनाई गई है. आंसर आ जाएगा 1272 seats. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच थीम इज़ द राज्यसभा ऑफ न्यू हाउस बेस्ड. कौन सी थीम पर राज्यसभा जो है न्यू पार्लियामेंट हाउस में बेस्ड हैं. आंसर आ जाएगा लोटस. ठीक है. जो लोटस का फूल होता है उस पे उसके डिज़ाइन में लोकसभा का जो बिल्डिंग बनाई गई है अंदर बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ स्पैन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज. कि एक क्या बोलते हैं, उम्मीद बोलते क्या, बुनियाद बुनियाद जो भी है वो कितनी बुनियाद रखी गई है, कितने सालों के लिए इसे बनाया गया है. अप्रॉक्सीमेट 150 सालों को सोच के इसे बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सीट्स आर डेडिकेटेड टू द मीडिया पर्सनल इन द
न्यू पार्लियामेंट हाउस, मीडिया पर्सनल के लिए इसके अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल करवाई गई हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 530। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एंट्रेंस डज द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हैव, इसके अंदर कितने एंट्रेंस हैं, कितने दरवाजे हैं, आंसर आ जाएगा 3। कौन कौन से दरवाजे हैं ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंगोल इंस्टॉल्ड इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस बिलोंग टू द विच डेस्टिनी, ठीक है, जो सेंगोल इंस्टॉल किया गया था न्यू पार्लियामेंट हाउस में वो कौन सी डेंसिटी से बिलोंग करता है, आंसर आ जाएगा चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंगोल हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के कौन से हाउस में सेंगोल को इंस्टॉल किया गया है, आंसर आ जाएगा लोकसभा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेट ऑफ अशोका साइन इंस्टॉल्ड इज, जो अशोका का जो साइन इंस्टॉल किया गया है इसके अंदर ही नई पार्लियामेंट हाउस में, उसका वेट कितना है, आंसर आ जाएगा 9500 किलोग्राम। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टोन वर्क यूज इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस बिलोंग्स टू विच स्टेट, कि पत्थरों का जो वर्क किया गया है वो कौन से स्टेट से मोटिवेट होके किया गया है या कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, आंसर आ जाएगा राजस्थान। गॉट इट। सो आज का आपके लिए क्वेश्चन ये है कि तीन दरवाजे बनाए गए हैं, उन दरवाजों के जो नाम हैं वो आप अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।